तो लो जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं श्रीनगर, जैसा कि आपको पता है। और श्रीनगर में ना सबसे खूबसूरत पॉइंट जो है ना, वो है डल लेक। और डल लेक में मैं आ चुका हूं, देख सकते हो मैं बैठ चुका हूं यहां पे शिकारे में। और शिकारे में ना बहुत सारी चीज़ें ना यहां पे खाने पीने के लिए भी मिलती है, घूमने के लिए तो ये है ही अट्रैक्टिव, मगर यहां पे ना अलग अलग यूनिक आइटम्स भी मिलते हैं। आप देखिए यहां पे ना, हमारे आते ही आते ये देखो भैया यहाँ पे ले आए हैं कश्मीरी कहवा। कश्मीरी कहवा, केसर, बादाम, इलायची, अखरोट सब कुछ मिला के, क्या बात है, फेमस थी। अच्छा, यस सर। तो ये किस तरीके से बनाया जाता है थोड़ा बताइए। केसर, बादाम, इलायची सब कुछ मिक्स करके उसको कूट के डाला जाता है, कैसे पीस के? केसर पानी से ही जाता है, केसर पानी में। अच्छा 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 अच्छा, उसी से बनता है। तो ये इस बर्तन को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल रहता है यहाँ का, क्या बोलते हैं इसको? समावार। समावार, इसे कोयला डालते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके बीच में तैयार होता है। एक मिनट दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको ना, ये देखिए जरा, ये है दोस्तों समावार, जो कि यहाँ की कश्मीरी ट्रेडिशनल कहवा बनाने के लिए यूज़ होता है बर्तन। और इसके बीच में दिखाना भी एक बार खोल के, ये देखिए, ये जो बीच में जो जगह है इसमें जाता है दोस्तों कोयला, जलता हुआ कोयला डाला जाता है। और उसी के साथ साइड में देखिए कहवा जो है वो बना के डाला गया है। और ये गर्मा गर्म रहता है, कोयले की वजह से गर्म होता रहता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपना जो कहवा है वो लगवा रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना के पहले से रखा हुआ। तो और इसके ऊपर से क्या चीनी डालता है? तो इसमें पहले से चीनी नहीं मिक्स करके रखते आप? नहीं, कोई बोलता है फ्री, हाँ शुगर फ्री चाहिए, तो उसके लिए आप उसको वैसे ही देते, प्लेन देते हैं। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, ये कप के अंदर डाल दिया गया और इसके ऊपर से कुछ जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये देखिए, इसके ऊपर से डाला गया है कुछ मसाला, ये दालचीनी, ये गई दोस्तों दालचीनी। ये क्या डाला है भैया? खसखस। खसखस, क्या बात है। ये आ गया हमारा बादाम। तो ये लिए दोस्तों, ये आ गया हमारा एक कप, क्या बात है। ये लो, आइए इसको सिप लेते हैं और देखते हैं कैसा है। क्या बात है, बिल्कुल रिफ्रेशिंग जो फ्लेवर आ रहा है ना दोस्तों, केसर का तो आ ही रहा है, मगर उसके साथ साथ ना दालचीनी जो डाली गई है इसके अंदर, उसका एक फ्लेवर है। तो बढ़िया है, गर्मा गर्म है। और ठंड के टाइम में आते हैं ना, तो इसको पीने का एक अलग ही मज़ा आता है। मगर अभी फिलहाल हम समर वेकेशन में आए हैं, समर वेकेशन में हम लोग आए हैं, तो इसका मैंने सोचा एक बार टेस्ट लेकर देखा जाए किस तरीके का है। पहली बार पिया है दोस्तों मैंने ये कहवा, और कश्मीर में तो कहवा बहुत अच्छा है, टेस्टी है। और ऊपर से जो इन्होंने मगज़ डाला था ना, उसकी जब बाइट्स आ रही है ना, तो उसका एक फ्लेवर अलग आ रहा है। प्लेन है, ज़्यादा कुछ इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर हाँ दालचीनी का, केसर का हल्का सा फ्लेवर अच्छा है, गर्मा गर्म है, मज़ेदार है। कहवा से हमारी शुरुआत हो चुकी है इस पूरी जर्नी की, जो हम डल लेक में करने वाले हैं। और मज़ेदार जर्नी है दोस्तों, बादल भी लगे हुए, हल्की हल्की धूप भी है और बादल भी, बीच में बादल आ रहे हैं, बीच में धूप आ रही है, तो मज़ा तो बड़ा आ रहा है। हम जिस तरीके से घूम रहे हैं ना यहाँ पे, और आगे चलते हैं, जर्नी कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं यहाँ डल लेक में बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो दोस्तों घूमते घूमते ना, अब हम आ चुके हैं इस डल लेक के अंदर ना, और देख सकते हैं दोनों तरफ शिकारे लगे हुए हैं। बेसिकली जो बोट हाउस होती है ना, वो लगी हुई है, आप देखिए क्या बड़े तरीके से, और बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ घूमने में। देखो अब थोड़ी छाँव भी आई है ना, तो अच्छा लग रहा है। और देखिए दोनों तरफ आपको ना बोट हाउसेज मिलेंगी अलग अलग तरीके की, आप भी रेंट कर सकते हैं यहाँ पे अगर लेना चाहते हो। और इसके थ्रू अभी हम जा रहे हैं अंदर, जहाँ पे जो मार्केट है बेसिकली वो लगती है। अब अंदर चलते हैं, देखिए किस तरीके से ये जो शिकारे हैं ना, वो घूम के वापस आ रहे हैं सारे के सारे लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, जैसे ही सूरज हल्का सा डूबने लगता ना, मौसम हो जाता सुहाना। तो भैया बता रहे हैं, हमारे जो बोट को चला रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि हमें ना 400-500 शिकारे जो हैं वो लग जाते हैं आने के लिए, घूमने के लिए। देखिए किस तरीके से, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं मार्केट लगी हुई है। ये देखिए हैंडीक्राफ्ट्स की सारी शॉप्स हैं, और इस तरफ ड्राई फ्रूट की शॉप है। ये देखो, ये ड्राई फ्रूट की शॉप है ग्रीन वैली। ये आ गए हम मार्केट के अंदर, जो भी यहाँ से कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं ना, वो मार्केट में जाके शॉपिंग कर सकते हैं अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, सामने ही हमारे एक फास्ट फूड की शॉप है यहाँ पर, और ये देखिए ये हंगरी शार्क, ये भी कैफ़े एंड फूड, फास्ट फूड ये भी है। और दोस्तों ये ना पूरे डल लेक के अंदर ना, अलग अलग से आप देख सकते हो जो शॉप्स हैं, उनके बीच बीच में से भी रास्ते जा रहे हैं, बेसिकली गलियां बनी हुई है मैं कहूँगा पानी के अंदर ही। और ये शिकारे उसमें जाते हैं और अच्छे से लोगों को घुमा के लेके आते हैं। ये देखो, तो लिए दोस्तों आपको ना फ्लोटिंग मार्केट के अंदर ना आप टिक्के खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टिक्के भी मिलते हैं। ये देखिए सामने बोट है, और इस बोट पे बन रहे हैं दोस्तों गर्मा गर्म टिक्के। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से ना, ये बोट पे इस तरीके से यहाँ पे ये लेके आते हैं और लोगों को जो है ना वो सर्व करते हैं। ये देखो, ये आगे हमारी अलग अलग तरीके के टिक्के देख रहे हो, बीच में ही बारबेक्यू रखा हुआ है इन्होंने, और उसी पे इसको बनाते हैं। क्या क्या है भैया? चिकन टिक्का और फिश टिक्का, पनीर और मशरूम दोनों है दोस्तों, यानी वेज और नॉन वेज दोनों होता है। तो देखिए किस तरीके से अभी भैया यहाँ पे लगाएंगे। ये देखो, ये सीख के अंदर लगाते हैं। ये देखो, वो देखो दोस्तों, ये सारे के सारे ट्रे जो है ना, उसमें भैया ने ना अलग अलग जो टिक्के हैं वो रखे हुए हैं,
और देखो इनको ना सीखों में लगा के यहाँ पे ग्रिल किया जाता है। ये देखो ये सारी की सारी जो टिक्के हैं वो यहाँ रखे हैं। तो लो जी दोस्तों, ये आ गया हमारा पनीर टिक्का। ये देखिए, ये एक प्लेट पनीर टिक्का जो हमने मंगवाया अभी। और ये देखिए, ये दे रहे हैं भैया टूथपिक साथ में खाने के लिए। और ये देखो, और साथ में भी क्या, ये चटनी सर्व करी है आपने, किस चीज़ की है ये? वाइट वाली, प्याज और मूली की दोनों। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो चिकन टिक्का है वो भी आ रहा है, वो देखो वो भैया लगा रहे हैं। ये गई थी चटनी दोनों तरीके की। और ये देखो, ये दे दिया भैया ने। ये आ गई दोस्तों हमारे चिकन टिक्का की प्लेट, शिकारे के ऊपर ही लगा दिए थे। ये देखो, ये है पनीर वाला और ये आ गया हमारा चिकन वाला। दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर जो टेस्ट है वो चेक करते हैं किस तरीके का कॉस्टली इन द सेंस, क्योंकि ये आप हमने ये पनीर वाला लिया था जो हमें पड़ा है 400 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, एक प्लेट 400 रुपये की पड़ी है पनीर वाली, पनीर टिक्का। और ये हमने चिकन लिया है हाफ, जो कि हमें 200 रुपये का पड़ा है। देखिए इसमें पीसेस जो है छोटे छोटे काट के डाले हैं, अब देखते हैं किस तरीके का इसका स्वाद है। साथ में दोस्तों सर्व किया हुआ है दो तरीके की चटनियाँ, जो कि मूली और प्याज की दोनों हैं, एक मसाले वाली है एक दही वाली है। और टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा है। ये लिया दोस्तों मैंने पनीर का पीस, भाई बनाया तो अच्छे से, ग्रिल तो अच्छे से किया, और मसाला जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, लाल नहीं है ना ही प्रॉपर येलो है। पनीर बिल्कुल सॉफ्ट है, हल्का से मसाले हैं, टेस्ट अच्छा, अच्छे से ग्रिल हो रखा, हल्का स्मोकी है, बढ़िया खाने लायक है। एक बार चटनी लगाते हैं ये वाली ना, वाइट वाली हल्की सी लगी है दोस्तों, क्योंकि हम ये है ना चटनी, और हल्की सी ये लाल वाली भी लगा लेते हैं और आप बाइट लेते हैं। चटनी अच्छी है, चटनी बिल्कुल यूनिक है, हल्की सी खट्टी है, हल्की सी मिठास है इसके अंदर, फ्लेवर अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब आओ दोस्तों ये हम चिकन वाला ट्राई करते हैं एक बार। चिकन भी जो है ना दोस्तों अच्छा, हाँ लग तो रहा है कि अच्छा सॉफ्ट हुआ है, जिस तरीके से इसमें टूथपिक जा रहा है ना पका अच्छा है, कलर अच्छे सा है ना, रेड कलर का जिस तरीके का होना चाहिए। और इसको टेस्ट करते हैं बिना चटनी के, टेस्ट करूँगा दोस्तों क्योंकि चटनी से ना टेस्ट बदल जा रहा थोड़ा सा। एक बार ट्राई करते हैं, स्मोकी है, हल्का सा चूई है, मगर पका हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि एक बिल्कुल पका ना होना, वो नहीं है, पका हुआ है, तो हल्का सा जैसे बाइट ले रहे हैं, हल्का सा चूई है, स्वाद है, टेस्टी है दोस्तों, बहुत बढ़िया, मसालेदार है, चटपटा है। और ख़ास जो फ्लेवर है ना दोस्तों वो आ रहा है इसका जो स्मोक का है, जैसे ग्रिल के ऊपर जैसे कोयले की आँच पर इन्होंने पकाया ना, उसके ऊपर जो पकाने की वजह से क्या हुआ, उसमें जो स्मोक निकल रहा, धुआं निकल रहा था, उसकी वजह से हल्का सा स्मोकी हो गया, तो फ्लेवर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये जो कबाब है ना, कश्मीर में इसको तुझ भी बोलते हैं, और यहाँ पे ना चटनी ज़रूर सर्व करते हैं, दो तीन तरीके की चटनियाँ सर्व करते हैं अलग अलग, ये वाली चटनी बहुत लाजवाब है, मज़ेदार। तो चलिए दोस्तों इसको फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हम इसमें टेस्ट कर पाते हैं डल लेक के अंदर। सो दोस्तों अभी आगे हम आगे हैं फास्ट फूड शॉप पे, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या खाने को मिलता है हमें। बीचों बीच दोस्तों डल लेक के बीच में है ये शॉप, और ट्राई करते हैं यहाँ पे, नाम ही इसका ट्राई एंड टेस्ट है। तो दोस्तों रेस्टोरेंट का ना मेन्यू चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले शेक्स, फूड, सूप और हर तरीके के आइटम्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, टी, कॉफ़ी, नूडल्स वगैरह, और सब में देखिए आप आइटम्स भी हैं, जैसे मैंगो शेक भी है, चिली पनीर टिक्का, सारी आइटम आपको यहाँ पे मिल जाती है खाने को, क्योंकि अंदर ना इन्होंने पूरी की पूरी किचन बनाई हुई है। देखिए खुद की एक किचन है जो कि फ्लोटिंग किचन है, और इसमें ना हर तरीके के आइटम्स आपको मिल जाते हैं। और हमने जो मंगवाया है दोस्तों वो मंगवाया है मिक्स वेज पकौड़े और चाय। भाई शाम का टाइम हो रहा है और ठंडे ठंडे हवा चल रही है, तो चाय पकौड़े तो बनते हैं ना, है ना जी। दोस्तों ये आ गया हमारा ऑर्डर, ये देखो एक कॉफ़ी, तीन चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। भाई मौसम भी बड़ा मस्त हो गया, सुहाना हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और पकौड़े खाने का ना मज़ा आने वाला है। ये देखो ये किस तरीके से, वाह छोटे छोटे पकौड़े इन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखो है ना मिक्स वेज के पकौड़े। भाई ये देखो गर्मा गर्म है, और ये आ गई हमारी चाय, और जैसे खुशबू आती जा रही है ना मुँह में पानी आता जा रहा है। तो ये वाले जो हैं ये मेरे ख्याल से प्याज के पकौड़े हैं, तो आओ इसको खाते हैं और देखते हैं कैसा आ रहा है। ये लगाई चटनी थोड़ी सी, ये देखो, और ये थोड़ी सी ग्रीन वाली भी लगा लेते हैं, और बाइट लेके देखते हैं कैसा है। गर्मा गर्म, सॉफ्ट, क्रंची, बिल्कुल रिफ्रेशिंग चाय है दोस्तों। तो लो जी दोस्तों इसी चाय की चुस्की के साथ ना हम आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आया दोस्तों डल लेक में घूमने में। खाने की ऑप्शंस बहुत सारी है,
मगर हमने एक दो आइटमें ट्राई करी भाई, एक दो आइटम ट्राई करी, मज़ा बड़ा आया। तो चलिए इस चाय को भी फिनिश करते हैं, इस व्लॉग को भी। और देखिए अभी जाते जाते ना हम ये पूरे का पूरा जो डल लेक है ना वो घूमते घूमते क्लोज करके वहीं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और वहां से बाहर जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप भी डल झील कभी आइए ना दोस्तों, तो चीज़ें यहाँ पे ना शिकारे में बैठ के ट्राई करिएगा, तभी आपको ना जो मज़ा है कश्मीर का वो मिलेगा। भाई शहर में तो रहने का मज़ा नहीं है, देखो सच बताओ तो श्रीनगर आप आते हैं ना घूमने आएंगे तो डल झील में ज़रूर आएगा, तभी आपको असली मज़ा आने वाला है, और वो भी शाम के टाइम में जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, सूरज जा चुका हो, तब असली मज़ा आएगा। तो चलिए इसको फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ आपसे दोबारा, बाय बाय।